हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको टैक्स ऑडिट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्नओवर के बारे में, स्पेशली टर्नओवर ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के बारे में। हाँ जी, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी ऑफ दैट कमोडिटी, या फिर कमोडिटी के अलावा आप शेयर्स भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कुछ भी अगर आप खरीदते हैं बेचते हैं विदाउट टेकिंग फिजिकल एक्चुअल डिलीवरी ऑफ दैट, देन इट फॉल्स इनटू स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर इसका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें और ये कैसे पता लगाएं कि हम टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होनी है या नहीं होनी है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या सेल। अगर टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ या फिर 10 करोड़, वॉट एवर बी द केस एप्लीकेबल, बिजनेस के केस में अगर इस लेवल से ऊपर चला जाता है तो टैक्स ऑडिट आपको करवाना कंपलसरी है अगर आप बिजनेस करते हैं तो। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट है 50 लाख रुपीज़। तो जब हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाए, आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की, एक ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट होता है 5 रुपये का और दूसरे ट्रांजैक्शन पे आपको लॉस होता है 6 रुपये का। नॉर्मली नेट लॉस हुआ आपको 1 रुपये का। तो यहाँ पर जो टर्नओवर होगा, राइट, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी टैक्स ऑडिट होनी है या नहीं होनी है, वो टर्नओवर होगा 11 रुपीज़। मतलब आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल को एग्रीगेट करके देखना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके देखना पड़ेगा। इस एग्जांपल में आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट और 6 रुपीज़ के लॉस को ऐड करना पड़ेगा, दैट कम्स टू 11 रुपीज़। तो यहाँ पे जो आपका टर्नओवर है वो है 11 रुपीज़। इस तरीके से आप स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का टर्नओवर जो है वो डिराइव कर सकते हैं। टू गेट टू नो दैट वेदर द टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल ऑन यू और नॉट। हाँ जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।